हेलो गाइस, तो मेरा नाम है प्रवीण तिवारी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीटी फिटनेस में। आजकल मैं बहुत सी न्यूज में सुन रहा हूँ कि लोगों को जिम जाने से हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप लोगों ने भी ये सुना ही होगा। आप एक नॉर्मल सी चीज समझिए कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है। सबसे पहला बात, हार्ट अटैक होने का ये होता है कि जो आपकी आर्टरीज रहते हैं, जो आपके हार्ट में ब्लड को पहुंचाती हैं, उनमें एक लेयर फॉर्म होने लगती है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी ना होना, बहुत ज़्यादा आपका जंक फूड खाना, आपका फिजिकल एक्टिविटी ना होना, आपका स्ट्रेस लेना, आपका अल्कोहल कंज्यूम करना। बात आती है कि हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक जब आपके आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में जब लेयर जम जाती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण भी हो सकता है, और जब आप कोई इसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड की जरूरत रहती है, आपका ब्लड प्रेशर उसमें इंक्रीज होता है, बट आपके ब्लड वेसल्स में लेयर बनने के कारण वो जाम हो जाती है और हार्ट को प्रॉपर जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस कारण लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपको इस चीज से बचना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जाने से पहले अपने आप को चेक करवाना है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं उस फिजिकल एक्टिविटी के लिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप जिम करते हो, चाहे किसी भी आप फिजिकल एक्टिविटी में जाएं, आप उससे पहले अपना इंटरनल बॉडी चेकअप जरूर कराएं कि आप उसके लिए फिजिकली फिट हैं कि नहीं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको विशेषता या ध्यान देने की जरूरत। जिम को बदनाम मत करिए। पहला रीजन आपका इंटरनल हेल्थ है। दूसरा कारण है लोगों को अटैक आने का, उनका ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम जिम में आता है, जिम में आने के बाद अपने ओवर एक्साइटमेंट कारण या तो वो वेट उठाने लग जाएगा, तुरंत हैवी वेट लोगों को देख के हैवी वेट उठाने लग जाएगा, या तो अगर वो ट्रेडमिल पे जाता है या साइकिलिंग करता है तो वो तुरंत 20 की स्पीड में रनिंग करना चालू कर देगा, 16 की स्पीड में रनिंग करना चालू कर देगा। ये होती है ओवर एक्साइटमेंट। सब चीजों का अपना एक तरीका होता है, जिम का भी अपना एक तरीका है। तो जब भी आप जिम आए, आप तुरंत किसी भी एक्सरसाइज को चालू ना करें। आप पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद आप धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को बढ़ाएं। चाहे आप लोड हैवी लिफ्ट करते हो तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज को बढ़ाएं, ना कि आप तुरंत उस चीज में इंडल्ज हो। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप जब जिम जाएं तो आप किसी को देख के एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें, लोड उठना ना उठाएं। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लोड उठाएं। क्या पता आप जिसको देख रहे हैं वो 15 साल से जिम कर रहा हो, उसकी कैपेसिटी अलग रहेगी, आप जिम में नए नए हैं, आपकी कैपेसिटी अलग रहेगी। तो इस चीज से सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हार्ट रेट, जो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट रहनी चाहिए, वो आप निकाल लें। इसका सबसे इजी और कैलकुलेटिव तरीका है कि आप इसको 220 माइनस योर एज कर दीजिए। मान लीजिए किसी की एज 30 है, तो 220 माइनस 30 करिए तो आएगा आपका 190, और 190 का आप निकालिए 75%, तो ये ऑलमोस्ट 142.5 आ रहा है, जो कि 143। तो आपकी जो मैक्सिमम टारगेटेड हार्ट रेट रहनी चाहिए वो 143 के अबव नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो जब आप जिम आते हैं तो आप प्रोसेस को फॉलो करिए। आप सबसे पहले अपना वार्म अप करिए और धीरे धीरे अपने लोड को बढ़ाइए, अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाइए, जिससे कि आप सेफ रहें। तीसरा रीजन जो जिम में हार्ट अटैक होने का हो सकता है, वो हो सकता है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड। आजकल की यंग जनरेशन बॉडी बनाने के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में, किसी भी इलिटरेट कोच के कहने पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड अपने बॉडी में लगाते रहते हैं इंजेक्शन को, वो सबसे बड़ा रीजन है आपके हार्ट अटैक होने। स्टेरॉइड के बहुत सारे नुकसान है। स्टेरॉइड ना ही आपको केवल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, इसके अलावा भी ये आपको किडनी डैमेज, लीवर डैमेज जैसे आपके खतरनाक चीजें करता है, जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूफ हो चुका है कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं उनकी आर्टरीज में, उनकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को ना लें। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप नेचुरली बनाएं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप अपनी डाइट को सही रखें, आप हार्ड वर्क करें,
आप कंसिस्टेंट रहें, इससे आपकी बॉडी बनेगी, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड को ना लें, ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक। तो अब आपको पता चल गया कि जिम में हार्ट अटैक आने का रीजन जिम नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं रहती हैं। तो आपको जिम जाते हैं तो आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है जिम के प्रति, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, समय पे वार्म अप करिए, आप अपनी इंटरनल हेल्थ को सही रखिए, आप फालतू की चीजें जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड ना लीजिए और आप सेफ रहिए जिम में और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करिए अपनी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, आपको अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।